कि आप पहली बार ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि आप पहली बार OMR सीट पे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर जो आपने जरा सा भी मिस कर दिया तो हो सकता है आपका जो आंसर सीट भरा जा रहा है वो भरने में आप गलती कर दे। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही जरूरी। इसमें हम बातें बताएंगे जो आपके एग्जाम के समय काम आएंगे। तो चलिए फॉर्म जो भरा जाता है उसको पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो आप सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि किस पेन से आपको फिलअप करना है। देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे जैसे कि देखिए बोला गया है क्या, ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन से सिर्फ भरना है, ओनली लिखा हुआ है, सिर्फ इसी से आप इसको फिल कर सकते हैं। चलिए उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं, नीचे में आपको सारा चीज दिया गया है। आंसर शीट आपका चेक नहीं होगा, बोल रहा है कि रोल नंबर, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर, ये सब अगर जो आप गलती फिलअप करते हैं तो यह छूट जाता है। तो चलिए उसके बाद आपका यहाँ पे आप देखिएगा, वही सब डिटेल दिया गया है कि आपको ये अच्छी तरह से भर लेना है। हम भरना भी बताएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप करेक्ट मार्किंग किस प्रकार से करना है, आपको पूरा इसको गोल करना है। ये जो आप फील देख रहे हैं यहाँ पे, आपको जो खाली जगह है ABCD ये ऑप्शन दिया हुआ इस प्रकार से रहेगा। तो आपको जो भी भरना है बिल्कुल उसमें आपको पेन चलाना है गोल में, ना इस प्रकार से आपको मार्किंग करना है, ना सही का टिक मारना है, ना इस प्रकार ना इस प्रकार, यानी कि पूरा फिलअप किया हुआ होना चाहिए जो भी गोल दिया हुआ है। तो ये तो हो गया आपका आंसर देने का तरीका, या फॉर्म आप किस प्रकार से भरिएगा उसमें भी बिल्कुल यही आपको अप्लाई करना है, इसी प्रकार से फॉर्म भरा जाता है। चलिए उसके बाद और जो सबसे जरूरी चीज है वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। अभी यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है, उसके बाद ये आता है आपको लिखना होता है खुद के राइटिंग में। आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो खुद ही लिखिएगा, तो ये वाला आप यहाँ पे लिखिएगा जो खाली जगह है। उसके बाद आपका सिग्नेचर होता है, फिर आपका लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होता है, यहाँ पे आप देना आपको देना है। फिर जब एग्जाम में जो भी वहां पे सर रहेंगे उनका ये यहाँ पे सिग्नेचर होगा, तो वो आपको तो कुछ करना नहीं है। चलिए उसके बाद जो मेन काम आता है, यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा, उसके बाद देखिए टेस्ट फॉर्म नंबर और टिकट नंबर, फिर रोल नंबर। रोल नंबर तो आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, टिकट नंबर और टेस्ट फॉर्म नंबर आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर से यह सब मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि टिकट नंबर ही लिखा हुआ हो वहां पे, हो सकता है कुछ चेंज हो, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब हम बताते हैं किस प्रकार से इसको फिलअप करना है। इसको आप फिलअप जब भी कीजिएगा तो देखिए हम बताते हैं क्या करना है आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। नीचे मान लेते हैं आपका टेस्ट फॉर्म नंबर लिखा गया है क्या, 1 2 4 5 6 9, ये आपका टेस्ट फॉर्म नंबर, तो आपको इसमें लिख लेना है उसी प्रकार 1 2 4 5 6 और यहाँ पे 9। तो फिलअप करने का तरीका बता रहे हैं, यहीं पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से करना है वो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक देखिएगा नीचे 0 1 2, फिर इसी प्रकार सारा लिखा हुआ है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे तो ABCD फिर आ गया है, तो हम इसको मान लेते हैं ये टिकट नंबर है, ठीक टिकट नंबर है, इसको हम लोग टिकट नंबर में लिखते हैं। तो 1 2 5 6 9 यहाँ पे और कर लेते हैं 1 0 और यहाँ पे 2, चलिए यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे हो गया 2। अब देखिए इसको किस प्रकार से भरा जाएगा, तो इसको भरेंगे क्या, 0 है फिर 1 है 2 है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो 1 में एक पॉइंट बैठा लेंगे, सिर्फ पॉइंट बैठाएंगे फिलहाल के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 में पॉइंट एक बैठा लिए, फिर 2 है, फिर उसके ठीक नीचे देखेंगे 2 कहाँ पे है, वहां पे एक छोटा सा पॉइंट बैठाएंगे, फिर देखेंगे 5 कहाँ है, तो 5 पे एक पॉइंट बैठा लिए, फिर 6 कहाँ है, नीचे ठीक उसी के नीचे आएंगे और उसी के नीचे ही वाले लाइन में पॉइंट बैठाएंगे, 9 कहाँ है देख लेते हैं, 9 एकदम लास्ट में है। इस प्रकार से हम लोग को पॉइंट बैठाना है सब में, और 2 कहाँ है यहाँ पे। चलिए पॉइंट बैठा लिए, पॉइंट बैठाने के बाद उसके बाद अब गोल करना है इसको,
पूरी अच्छी तरह से। आप देख लीजिएगा, आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ रहता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है तो उसमें मिल जाता है। और इसको ना बाहर निकालना है, ना बीच में कुछ जगह छूटना है। तो आप इस प्रकार से जब इसको पूरा मार्क कर लीजिएगा अच्छी तरह से, तो आप ऐसे ही गोल कर लीजिएगा। इसको हम गोल कर देते हैं, देखिए ये गोल नहीं है। तो अच्छी तरह से आपको गोल करना है। यहाँ पे जरा समय परेशानी हो रही है इस प्रकार, तो आपको क्या करना है, पेंसिल से या पेन से जो भी दिया रहेगा आप उससे इसको आप अच्छी तरह से मार्क कीजिए। क्योंकि देखिए, जरा सा भी आपका गलती होता है, अगर जो कोई सर चेक कर रहे हैं तब तो वो ठीक कर देंगे आपकी गलती को, जरा सा अगर जो आपका गैप है तो। लेकिन मशीन जब आपका ये आंसर शीट चेक करेगा तो वो तो इतना छूट तो आपको देगा नहीं, गलती होने पे सीधे कट जाएगा। देखिए गलती और लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका अनुक्रमांक दिया हुआ है 1 4 5 1 2, तो गलती देखिए कैसे कर देते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 में यहाँ पे गोल करना पहले ही चालू कर देते हैं, आपको नहीं करना है ऐसे। फिर क्या देखते हैं 4, और लास्ट इसी में क्या करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ पे 4 में फिर गोल कर देते हैं। आपका एक बार ये गलत हो गया तो फिर दोबारा आपको आंसर शीट भी नहीं मिलेगा। आंसर शीट क्या हुआ, दोबारा आपको नहीं मिलेगा। एक बार यहाँ गलती हो गया, समझिए आपका पेपर खत्म, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो इस प्रकार आप एकदम हड़बड़ी में, आपको कुछ करना ही नहीं है, रिलैक्स होकर 1 में पहले टिक किए, फिर 4 है तो 4 में जाइए, 4 कहाँ है यहाँ पे टिक कीजिए, फिर 5 है तो वहां पे टिक कीजिए, और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसमें आराम से गोल करना है। तो ये है सबसे बेस्ट टिक। तो आपको अब लेकर चलते हैं हम एंसर शीट में। देखिए इस प्रकार से आपके एंसर रहेंगे, तो एंसर में भी ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है, गोल कर लेना है। मान लेते हैं हमारा ए 1 का आंसर ए है, तो इसको अच्छी तरह से गोल कर लेना है। फिर ये क्या है, 2 का मान लेते हैं आंसर क्या है, सी है, तो इस प्रकार से करना है। तो इसमें भी अच्छा तरीका क्या होता है कि आप ऑफलाइन अगर जो एग्जाम दे रहे हैं, आपका ऑफलाइन एग्जाम है, तो 1 महीना पहले क्या कीजिए, आप स्टेशनरी के दुकान पे जाइए, वहां पे इस प्रकार से इस प्रकार के शीट्स अवेलेबल होते हैं, आप ले लीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए। घर में अगर जो प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये जो गोल करना होता है बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, आपका हाथ का स्पीड रहेगा तो ही आप इसको अच्छी तरह से कर पाइएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।